जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। आज की वीडियो में हम सितंबर 2019 से संबंधित पूरा एक माह का करंट अफेयर आपके लिए लाए हैं। तो चलिए, आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सभी ग्रुपों में शेयर करें, सभी दोस्तों को शेयर करें, जिससे अन्य लोग भी इस वीडियो को देख सकें। तो चलिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है, निम्न में से किस देश ने नवंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन की मेजबानी की है? तो कौन से देश ने मेजबानी की है? तो इसका जो सही आंसर है वह है भारत। विकल्प नंबर 4 इसका जो सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत नवंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन में 47 देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय कानून और आपसी समन्वय बेहतर करने के लिए चर्चा करेंगी। अगला क्वेश्चन है, देश भारत के किस शहर में देश का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है? तो अगर आपसे इसका आंसर कमेंट बनता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, तो इसका आपको आंसर बताना है कि भारत के किस शहर में देश का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है मनाली। विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा मनाली। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष प्रणाली के महान चिकित्सकों की स्मृति में कितने डाक टिकटों का एक सेट जारी किया है? तो कितने डाक टिकटों का एक सेट जारी किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने? तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वह है 12 डाक टिकटों। विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 सितंबर से 7 सितंबर तक कौन सा राष्ट्रीय दिवस या सप्ताह मनाया जाता है? तो जल्दी से आपको कमेंट में आंसर बताना है। 4 विकल्प आपके सामने मौजूद होंगे, 1 सितंबर से 7 सितंबर तक कौन सा राष्ट्रीय दिवस समारोह या सप्ताह मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है राष्ट्रीय पोषाहार दिवस सप्ताह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर IPS अर्पणा कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अर्पणा सिंह को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया है। किसको? IPS अर्पणा कुमार को। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के किस शहर में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो किसने किया है महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरणीकरण? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है मॉस्को। विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा मॉस्को। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के मॉस्को शहर में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। कहा जाता है कि महात्मा गांधी रूसी लेखक दार्शनिक लियो टॉल्स्टॉय से प्रेरित एवं प्रभावित थी। अगला क्वेश्चन है, YouTube पर चिल्ड्रन प्राइवेसी लॉ के उल्लंघन के आरोप लगने पर किस कंपनी को 1420 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा? तो कौन सी कंपनी को 1420 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा? तो इसका जो सही आंसर है वह है गूगल। विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा गूगल। यूट्यूब पर चिल्ड्रन प्राइवेसी लॉ के उल्लंघन के आरोप लगने पर यूट्यूब की मालिक कंपनी गूगल पर 1420 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूट्यूब ने 13 साल से कम आयु के बच्चों से जुड़ा डाटा उनके माता पिता की अनुमति के बिना एकत्रित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस ऐतिहासिक स्मारक में पहली बार बेबी फीडिंग केंद्र की सुविधा शुरू करने के लिए बेबी फीडिंग रूम खोला जाएगा? तो कहां पर खोला जाएगा, जल्दी से बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट में बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, तो इसका जो सही आंसर है वह है
ताजमहल, ताजमहल इसका सही आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर 3। भारत के ऐतिहासिक स्मारक में से एक ताजमहल में पहली बार बेबी फीडिंग केंद्र की सुविधा शुरू करने के लिए वातानुकूलित बेबी फीडिंग रूम खोला जाएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश के सड़क परिवहन निगम ने भी राज्य की सभी बसों में माताओं के लिए बेबी फीडिंग क्यूबिकल स्थापित करने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है, 2 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। 2 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व फल दिवस, विश्व नारियल दिवस, विश्व सब्जी दिवस या विश्व टीवी दिवस? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है विश्व नारियल दिवस। विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाते हैं विश्व भर में 2 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी को किसकी तरफ से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल मेंडेला गेट्स फाउंडेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। अमेरिका की बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। उन्हें यह पुरस्कार उनकी अमेरिका यात्री के दौरान दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस देश के अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपने बेड़े में शामिल करने की घोषणा की है? तो क्या होगा इसका सही आंसर, किस देश के अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपने बेड़े में शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर है वह है अमेरिका। विकल्प नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में अमेरिका के अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपने बेड़े में शामिल करने की घोषणा की है। साथ ही भारतीय वायुसेना अमेरिकी अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल करने वाला भारत 14वां देश भी बन गया है। अगला क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत जारी की गई देश के स्वच्छ प्रतिष्ठित संस्थानों की रैंकिंग में किसे पहला स्थान मिला है? तो किसको पहला स्थान मिला है, क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वह है माता वैष्णो देवी। विकल्प नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गुजरात सरकार के दूसरे प्रदेश भवन गरवी गुजरात का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया है जल्दी से बताइए, कौन से शहर में? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, पुणे, केरल, मुंबई या दिल्ली, क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वह है दिल्ली। विकल्प नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दिल्ली में गुजरात सरकार के दूसरे प्रदेश भवन गरवी गुजरात का उद्घाटन किया है। यह भवन अकबर रोड पर 7000 वर्ग मीटर क्षेत्र में है और इसमें 131 करोड़ रुपए की लागत आई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सिंध पुलिस ने पहली बार अपनी टीम के में एक सिंधु लड़की को शामिल किया है? तो क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा जल्दी से बताइए, कौन सा देश है वह? तो वह देश है पाकिस्तान। विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 सितंबर को विश्व भर में सॉरी भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट में आंसर बताइए, विज्ञान दिवस, टीवी दिवस, महिला सुरक्षा दिवस या शिक्षक दिवस? तो इसका जो सही आंसर होगा वह शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को भारत में मनाते हैं और यह दिवस भारत की पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में किस देश में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप का लोगो जारी किया गया है? तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका जो सही आंसर है वह है कतर। कतर इसका सही आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर 4। कतर में वर्ष 2022 होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए वर्ल्ड कप 2022 का लोगो जारी किया गया है। यह लोगो ठोस बुनियादी ढांचे और शीतकालीन कार्यक्रम दोनों को दिखाता है। साथ ही इस लोगो में कतर के राष्ट्रीय ध्वज के रंग का भी इस्तेमाल किया गया है। अगला क्वेश्चन है,
सोने के भंडार के मामले में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया के टॉप 10 देशों की सूची में शामिल हो गया है? तो कौन से देश को पीछे छोड़कर दुनिया के टॉप 10 देशों की सूची में शामिल हो गया है? तो इसका आंसर होगा नीदरलैंड। नीदरलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। सोने के भंडार के मामले में भारत नीदरलैंड को पीछे छोड़कर दुनिया के टॉप 10 देशों की सूची में शामिल हो गया है। भारत को 10वां स्थान मिला है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिलिंग की रिपोर्ट के मुताबिक। भारत के पास 618.2 टन सोना भंडार है और नीदरलैंड में 612.5 टन सोना है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कौन सा देश 6 स्थान बढ़कर 34 स्थान पर पहुंच गया है? तो कौन सा देश है जो 6 स्थान बढ़कर 34 स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है भारत, विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 6 स्थान बढ़कर 34 स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2017 में भारत 40वें स्थान पर था। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई है। इस सूचकांक में विश्व के 140 देश भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 4th साउथ एशियन स्पीकर्स समिट का आयोजन किया गया है? तो कहां पर इसका आयोजन किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है वह है मालदीव। मालदीव इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। हाल ही में मालदीव की राजधानी माले में 4th साउथ एशियन स्पीकर्स समिट का आयोजन किया गया है। इस जिस उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इस 4th साउथ एशियन स्पीकर्स समिट का आयोजन मालदीव की संसद मजलिस में किया गया है। तो इसका जो अगला आंसर है वह है मशीन बेकार और टूटे बर्तनों का पाउडर बनाने के लिए किस शहर में पहला टेराकोटा ग्राइंडर लॉन्च किया गया है? तो कहां पर यह ग्राइंडर लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है जो वह वाराणसी, विकल्प नंबर 2 इसका सही तीन इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। भारत के खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने मशीन बेकार और टूटे बर्तनों का पाउडर बनाने के लिए वाराणसी के सेवापुरी में पहला टेराकोटा ग्राइंडर लॉन्च किया है। साथ ही इस टेराकोटा ग्राइंडर से जो पाउडर बनेगा उसका बर्तन निर्माण में पुनः उपयोग किया जा सकेगा। साथ ही इससे गांव में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का कौन सा खिलाड़ी है जो सबसे कम उम्र में टेस्ट की कप्तानी करने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह विकल्प नंबर 2 राशिद खान। जो राशिद खान खिलाड़ी हैं वह कहाँ के? अफगानिस्तान के। और यह ऐसे सबसे कम उम्र के कप्तान बन गए हैं जो इन्होंने टेस्ट में कप्तानी की है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत की किस संगीतकार को उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए डॉटर ऑफ द नेशन के खिताब से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो किसको इस अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर 2 लता मंगेशकर जी को। लता मंगेशकर जी को डॉटर ऑफ द नेशन के खिताब से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने भारत की संगीतकार स्वर कोकिला लता मंगेशकर को उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए डॉटर ऑफ द नेशन के खिताब से सम्मानित करने की घोषणा की है। उन्हें यह पुरस्कार 28 सितंबर को 90वें जन्मदिन पर दिया जाएगा। तो उनके 90वें जन्मदिन पर यह पुरस्कार उनको दिया जाएगा। कौन सा पुरस्कार? डॉटर ऑफ द नेशन। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े मोबाइल नेटवर्क जियो ने हाल ही में भारत के कितने शहरों में फाइबर टू द होम सर्विस जियो फाइबर शुरू करने की घोषणा की है? तो कितने शहरों में यह सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा 1600 शहरों में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने शिक्षक दिवस पर विज्ञान भवन में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है 46 46 शिक्षकों को इस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है।
किसने? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। अगला क्वेश्चन है, 8 सितंबर को विश्वभर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। 8 सितंबर को विश्वभर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा विश्व साक्षरता दिवस। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड के संगठन आईबी से मान्यता प्राप्त वर्ल्ड के टॉप 10 स्कूल में भारत के किस स्कूल को स्थान मिला है? तो कौन से स्कूल को स्थान मिला है जल्दी से बताइए। स्विट्जरलैंड के संगठन आईबी से मान्यता प्राप्त वर्ल्ड के टॉप 10 स्कूल में भारत के किस स्कूल को स्थान मिला है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है विकल्प नंबर 3, धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल, इसका सही आंसर हो जाएगा। स्विट्जरलैंड के संगठन आईबी से मान्यता प्राप्त वर्ल्ड के टॉप 10 स्कूल में भारत के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल को 10वां स्थान मिला है। यह रैंकिंग प्रतिष्ठित संस्था इंटरनेशनल बैकलॉरेट आईबी के डिप्लोमा कार्यक्रम में प्राप्त किए औसत अंक के आधार दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य से टाइगर स्टेट का दर्जा वापस लिए जाने के बाद राज्य सरकार ने बाघों की सुरक्षा के लिए टाइगर स्ट्राइक फोर्स का गठन किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। भारत के मध्य प्रदेश राज्य से टाइगर स्टेट का दर्जा वापस लिए जाने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने बाघों की सुरक्षा के लिए टाइगर स्ट्राइक फोर्स का गठन किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को जवानों की भर्ती और पुलिसकर्मियों को प्रति नियुक्ति के प्रस्ताव भेजा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के 49 पुराने बरदर्सी स्टेडियम में कौन मैदान के बीचों बीच करीब 300 पेड़ लगाए गए हैं? तो कहां पर? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश का अगस्त 2019 में विदेशी मुद्रा भंडार 31.072 अरब अमेरिका डॉलर हो गया है? तो किस देश का जो है मुद्रा भंडार इतना हो गया है जल्दी से आप कमेंट में बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। अमेरिका, रूस, चीन या जापान? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है चीन। चीन इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। चीनी राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा प्रबंध ब्यूरो के मुताबिक अगस्त 2019 में चीन का विदेशी मुद्रा भंडार 31.027 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। इस वर्ष शुरुआत में चीन का विदेशी मुद्रा भंडार वह 34.5 अरब अमेरिका डॉलर अधिक था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषणों पर आधारित पुस्तक का नाम क्या है जिसका हाल ही में दूसरा संस्करण जारी किया गया है? तो उस पुस्तक का नाम क्या है, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो उस पुस्तक का नाम है लोकतंत्र के स्वर। लोकतंत्र के स्वर विकल्प नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र के स्वर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भाषणों पर आधारित पुस्तक लोकतंत्र के स्वर का दूसरा संस्करण जारी किया गया है। हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने द रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर ने इन पुस्तकों का संकलन जारी किया है। और ऐसा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो इसका आंसर होगा एम वेंकैया नायडू। नायडू यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं भारत के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों की एक टीम ने अब तक का सबसे बड़ा लगभग 8 मीटर कंकाल खोजा है? तो कौन से देश के वैज्ञानिकों ने यह कंकाल खोजा है जल्दी से आपको कमेंट में आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जापान या अमेरिका? तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर 3, इसका जापान सही आंसर हो जाएगा। जापान के वैज्ञानिकों की एक टीम ने अब तक का सबसे बड़ा लगभग 8 मीटर कंकाल खोजा है। यह कंकाल हाइड्रोस्क्यूरिड डायनासोर प्रजाति से संबंधित और यह कंकाल लगभग 7.2 करोड़ वर्ष पुराना भी है। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार किस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 8 मूर्तियां स्थापित हैं? तो कौन से देश में महात्मा गांधी जी की 8 मूर्तियां स्थापित हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है अमेरिका, विकल्प नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने हाल ही में किस राज्य के क्रिकेट संघ के नए संविधान को मंजूरी दी है? तो किस संघ के नए मंजूरी दी है बीसीसीआई ने, तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वह राजस्थान क्रिकेट संघ, विकल्प नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान क्रिकेट संघ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने हाल ही में 5 वर्ष के बाद राजस्थान क्रिकेट संघ के नए संविधान को मंजूरी दे दी है। अब राजस्थान क्रिकेट संघ के नए सिरे से चुनाव होने और राज्य में क्रिकेट की प्रतिभाओं को बेहतर अवसर मिल सकेगा। और हम यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं? तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन हैं, तो इसका आंसर होगा सौरभ गांगुली जी। सौरभ गांगुली जी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, डिलीवरी नेटवर्क को मजबूत बनाने के उद्देश्य से किस ई कॉमर्स कंपनी ने देश के 700 शहरों में 27,000 किराना दुकानों को अपने नेटवर्क से जोड़ा है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो सही आंसर होगा वह फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर जेफ्री बॉयकॉट और एंड्री स्ट्रॉ को सर की उपाधि दी गई है? तो क्या होगा इसका सही आंसर, किस टीम के पूर्व क्रिकेटर हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है इंग्लैंड, इंग्लैंड इसका सही आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड क्रिकेट टीम इसका सही आंसर विकल्प नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केपी शर्मा ओली ने भारत और किस देश के बीच चलने वाली मोतीहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? तो क्या है इसका आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वह नेपाल, विकल्प नंबर 4 इसका सही आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत और नेपाल के बीच चलने वाली मोतीहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है। ये पेट्रोलियम पाइपलाइन दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन भी है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के भारतवंशी को फेडरल जज के रूप में नामित किया है? तो क्या है उनका नाम? भारतवंशी के जो फेडरल हैं राज्य के जज के रूप में नामित किया है, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अनुराग सिंघल, अनुराग सिंघल इसका सही आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, जंगली घास की खपत के मामले में जारी की गई 120 शहरों की सूची में किस शहर को पहला स्थान मिला है? तो कौन सा शहर है जिसको पहला स्थान मिला है? क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है न्यूयॉर्क, विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में जंगली घास की खपत के मामले में जारी की गई 120 शहरों की सूची में न्यूयॉर्क को इस खपत के साथ पहला स्थान मिला है। इस सूची में पाकिस्तान के कराची के दूसरा और भारत की राजधानी दिल्ली को तीसरा स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा के रिटायर होने के बाद किसे हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसको नरेंद्र मोदी जी का नया सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर पीके मिश्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। मुख्य पूर्व सचिव नृपेंद्र मिश्रा के रिटायर होने के बाद डॉक्टर पीके मिश्रा को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की एयरलाइन एयर इंडिया ने हाल ही में अपने यात्रियों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो आपसे अगर इसका आंसर बनता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वह है नमस्कार सेवा, विकल्प नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, नमस्कार सेवा योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो कौन से राज्य में शुरुआत की है? तो इसका जो सही आंसर है वह उत्तर प्रदेश, यूपी राज्य में इस योजना की शुरुआत, इस कार्यक्रम की शुरुआत की है किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। और हम यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो जो उत्तर प्रदेश है इसकी राजधानी है लखनऊ।
उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट की स्पीड के मामले में किस देश को पहला स्थान मिला है? तो कौन सा देश है जिसको पहला स्थान मिला है इंटरनेट स्पीड के मामले में? तो इसका जो सही आंसर है वह है सिंगापुर। सिंगापुर विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट 2000 रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट की स्पीड के मामले में सिंगापुर को पहला स्थान मिला है। सिंगापुर के फिक्स्ड ब्रॉडबैंड की स्पीड में 5.6% की बढ़ोतरी हुई है। भारत में इंटरनेट की स्पीड दुनिया की औसत स्पीड से भी कम है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राजदूत नवदीप सह सूरी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड ऑफ जायस से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर 4 संयुक्त अरब अमीरात के अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल यूनिवर्सिटी की नई रैंकिंग में टॉप 300 में किस यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसको टॉप 300 यूनिवर्सिटी में पहला स्थान मिला है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है विकल्प नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्लोबल यूनिवर्सिटी की नई रैंकिंग में टॉप 300 में लगातार चौथे वर्ष यूनिवर्सिटी ऑफ द ऑक्सफर्ड को पहला स्थान मिला है। इस नई रैंकिंग में एशिया की चीन की टॉप 2 यूनिवर्सिटी शामिल हैं। इस वर्ष ग्लोबल यूनिवर्सिटी की नई रैंकिंग भारत की एक भी यूनिवर्सिटी को स्थान नहीं मिला है, तो यह बात भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल मॉल ऑफ एशिया के नाम से दुनिया का पहला वर्चुअल डिजिटल मॉल 15 दिसंबर 2019 को शहर में खोला जाएगा। तो कहां पर खोला जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है नोएडा। नोएडा इसका सही आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द लिसेंट पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2017 में मच्छर काटने से होने वाली बीमारी मलेरिया के कुल मामलों में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो कौन सा स्थान रहा है भारत का? तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर 4 चौथा आंसर रहा है भारत का। द लेसेंट पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2017 में मच्छर काटने की होने से बीमारियां मलेरिया के कुछ मामलों में भारत का चौथे स्थान रहा है। इस रिपोर्ट की पूरी दुनिया के 41 वैज्ञानिक अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं ने मिलकर बनाया है, तो यह रिपोर्ट को इन्होंने बनाया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने एक व्यापक देशव्यापी जागरूकता अभियान स्वच्छता ही सेवा 2019 का शुभारंभ मथुरा में किया है? तो किसने यह शुभारंभ किया है मथुरा में, जल्दी से बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वच्छता ही सेवा 2019 का शुभारंभ मथुरा में किया है, तो किसने किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह जो अभियान है इसका शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खेल इतिहास में कौन सी बार एक महिला एथलीट को भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण देने की सिफारिश की गई है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वह है पहली बार, विकल्प नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के प्रमुख नूर वाली महसूद समेत 12 लोगों को किस देश ने वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? तो कौन से देश ने वैश्विक आतंकवाद घोषित किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है अमेरिका। अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में व्यापारियों और स्वरोजगार वालों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो कौन सी योजना है जिसको शुरू किया है नरेंद्र मोदी जी ने रांची में व्यापारियों और स्वरोजगार वालों के लिए? तो इसका जो सही आंसर है वह राष्ट्रीय पेंशन योजना, विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय पेंशन योजना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई आर्थिक स्वतंत्रता रैंकिंग में भारत 17 स्थान बढ़कर कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो कौन से स्थान पर पहुंच गया है 17 स्थान बढ़कर, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, 79वें स्थान पर पहुंच गया है।
अगला क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 दशक में देश की टॉप 10 भाषाओं में किस भाषा को बोलने वाले लोगों में बढ़ोतरी हुई है, तो कौन सी भाषा है? जल्दी से आप कमेंट में आंसर बताना, क्या होगा इसका सही आंसर, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी या पंजाब? तो इसका जो सही आंसर है वह है हिंदी, विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को सोनीपत के राय में हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का पहला चांसलर नियुक्त किया है, तो किसको किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कमेंट में आंसर बताना है, अगर बनता है तो आप कमेंट में जरूर इसका आंसर बताएं, क्या होगा इसका सही आंसर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर या MS धोनी? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है कपिल देव, विकल्प नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। कपिल देव जो है वह यह यूनिवर्सिटी का पहले चांसलर नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी के 2 संयंत्रों पर ड्रोन अटैक होने पर भयंकर आग लग गई है, तो किस देश में स्थित है जो है ड्रोन अटैक होने पर भयंकर आग लग गई है, तो इसका जो सही आंसर है वह है सऊदी अरब, विकल्प नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी के सऊदी अरामकों ने 2 संयंत्र पर ड्रोन अटैक होने पर भयंकर आग लग गई है। सऊदी अरामकों के दोनों तेल संयंत्र अब कैक और खुरैश स्थित हैं। अगले क्वेश्चन है, हाल ही में भारत यूरोपीय देशों सहित 100 से अधिक देशों में बुलेट प्रूफ जैकेट निर्यात करने वाला कौन सा देश बन गया है, तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका जो सही आंसर होगा वह 4th, विकल्प नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के जिसिकत गांव में किस बैंक ने अपनी नई शाखा खोली है, तो कौन सी बैंक है जिसने अपनी नई शाखा खोली है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 16 सितंबर को विश्वभर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 16 सितंबर को विश्वभर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह है विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को विश्वभर में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 5 रन से हराकर लगातार कौन सी बार एशिया कप जीत लिया है, तो कौन सी बार एशिया कप जीता है, तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर 2 सॉरी इसका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर 1 दूसरी बार यह जो एशिया कप है वह जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सरकारी विभागों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सूचना पोर्टल 2019 लॉन्च किया है, तो कौन से राज्य में यह पोर्टल लॉन्च किया है 2019, तो इसका जो सही आंसर है वह राजस्थान, विकल्प नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य सरकार ने चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो यह जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है तो यह प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया है वह महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया, विकल्प नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने किसकी रचनाओं की उपग्रह को अंतर्राष्ट्रीय भाषा में प्रकाशित किया है, तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका जो सही आंसर है वह गुरु नानक देव, विकल्प नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की किस वर्ष तक चीन की मदद से पहला पाकिस्तानी अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह है 2022 तक। पाकिस्तान के केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान वर्ष 2022 तक चीन की मदद से पहला पाकिस्तानी यात्री अंतरिक्ष में भेजेगा और अंतरिक्ष यात्री के लिए चयन प्रक्रिया 2020 में शुरू की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई दुनिया की सबसे ज्यादा सुरक्षित शहरों की सूची में किस शहर को पहला स्थान मिला है, तो कौन सा शहर है जिसको पहला स्थान मिला है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे इस क्वेश्चन का आंसर बनता है तो कमेंट में जरूर बताएं, क्या होगा इसका सही आंसर,
तो इसका जो सही आंसर है वह टोक्यो, टोक्यो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर दो, टोक्यो को पहला स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में पहली बार लड़कियों को फुटबॉल खिलाने का अभियान शुरू करने की घोषणा की है, तो यह घोषणा किसने की है, तो इसका जो सही आंसर है वह भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय खेल प्राधिकरण ने इस खेल की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक किस देश में आज भी हर पांचवा व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करता है, तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका जो सही आंसर है वह है ब्रिटेन, ब्रिटेन इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर चार, इसका सही आंसर है। ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में आज भी हर पांचवा व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करता, इसमें काफ़ी लोग बुजुर्ग और कम आयु वाले हैं। सर्वे के मुताबिक इंटरनेट नहीं इस्तेमाल करने वाले लोगों ने कहा है कि वे अपनी इच्छा से ही इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 64वां क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल लीग UEFA चैंपियंस लीग में चैंपियन बनने वाली टीम को लगभग कितने करोड़ रुपए इनाम के तौर पर देने की घोषणा की गई है, तो कितने करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह विकल्प नंबर तीन, 632 करोड़ रुपये इनाम देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में हाल ही में किस पर पूरी तरह बैन लगा दिया है, तो किस पर पूरी तरह बैन लगा दिया है केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में, तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ई सिगरेट, विकल्प नंबर तीन इसका सही आंसर हो जाएगा, ई सिगरेट इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म फेस्टिवल बोस्टन में किस अभिनेत्री को उनकी फिल्म द लास्ट कलर के लिए बेस्ट एक्टर्स अवार्ड दिया गया है, तो किसको यह अवार्ड दिया गया है, तो यह अवार्ड जो दिया गया है वह दिया गया है नीना गुप्ता, भारतीय फिल्म फेस्टिवल बोस्टन में अभिनेत्री नीना गुप्ता को उनकी फिल्म द लास्ट कलर के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है, साथ ही उनकी फिल्म द लास्ट कलर को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का भी पुरस्कार दिया गया है। नीना गुप्ता अभिनेत्री के साथ टीवी कलाकार, फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विंग कमांडर अंजलि से भारतीय वायुसेना की कौन सी महिला अधिकारी बन गई हैं, तो कौन सी महिला अधिकारी बन गई हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वह है पहली, विकल्प नंबर एक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे मशहूर पांडा चुआंग चुआंग की चियांग माई चिड़ियाघर में कितने वर्ष की आयु में मौत हो गई है, तो क्या होगा इसका सही आंसर, आप कमेंट में इसका आंसर बताएं अगर बनता है आपसे इसका आंसर। दुनिया के सबसे मशहूर पांडा चुआंग चुआंग की चियांग माई चिड़ियाघर में कितने वर्ष की आयु में मौत हो गई है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह है 19, विकल्प नंबर तीन इसका सही आंसर हो जाएगा 19। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तेजस में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री बन गए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो कौन है निम्न में से वह कौन है जो तेजस में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री बन गए हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वह है राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह, विकल्प नंबर चार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट ने हाल ही में एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका के कितने नए देशों के लिए स्पीड पोस्ट सेवा शुरू करने की घोषणा की है, तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका जो सही आंसर है वह है 6, विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, 6 देशों के लिए स्पीड पोस्ट सेवा शुरू करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, सुपर 30 के संस्थापक और गणितज्ञ आनंद कुमार को किस देश में प्रतिष्ठित टीचिंग अवार्ड से सम्मानित किया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या है, तो वह है, तो इसका जो सही आंसर है वह है अमेरिका, अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इंडिया फिल्म एकेडमी अवार्ड्स में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म को अवार्ड के सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा राजी, राजी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने एयर वाइस चीफ मार्शल RKS भदौरिया को कहाँ का प्रमुख नियुक्त किया है,
तो किसका प्रमुख नियुक्त किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह वायुसेना। सरकार ने हाल ही में एयर वाइस चीफ मार्शल RKS भदौरिया को अगले वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया है। वे 30 सितंबर को चीफ ऑफ एयर स्टाफ के बाद पद से इस्तीफा रिटायर होने वाली BS धनोवा की जगह स्थान लेंगी। एयर वाइस चीफ मार्शल RKS भदौरिया इस पद पर 3 वर्ष तक या फिर 62 वर्ष की आयु तक अपनी सेवाएं दे सकेंगी। अगला क्वेश्चन है, इसरो और किसने हाल ही में गगनयान मिशन के लिए मानव केंद्रित प्रणालियां विकसित करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है DRDO इसका सही आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, 21 सितंबर को विश्वभर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 21 सितंबर को विश्वभर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाते हैं कब? 21 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विश्वविद्यालय ने हाल ही में LLB LLM के सिलेबस में 3 तलाक कानून शामिल किए हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के द्वारा हाल ही में भारत की वायुसेना को सौंपे जाने वाले पहले राफेल लड़ाकू विमान का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है RKS भदौरिया। RKS भदौरिया जी के नाम पर इस विमान का जो लड़ाकू विमान है इसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस राज्य सरकार ने हाल ही में 3री से लेकर 8वीं कक्षा तक संस्कृत भाषा को अनिवार्य कर दिया है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने यह घोषणा कर दी है कि हाल ही में 3री से लेकर 8वीं कक्षा तक संस्कृत भाषा को अनिवार्य कर दिया है। दरअसल उत्तराखंड राज्य में संस्कृत को 2री भाषा का दर्जा प्राप्त है। इस राज्य में लगभग CBSE और ICSE बोर्ड स्कूलों की संख्या 5000 है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सीमाओं के इतिहास को नए सिरे से लिखने की योजना को किसने मंजूरी दे दी है? तो किसने यह मंजूरी दे दी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की सीमाओं के इतिहास को नए सिरे से लिखने की मंजूरी किसने दे दी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है राजनाथ सिंह, विकल्प नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की सीमाओं के इतिहास को नए सिरे से लिखने की योजना को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत देश की सीमाओं के इतिहास को कलमबद्ध किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य शहरों और ग्रामीण नागरिकों को देश की सीमांत क्षेत्रों की संस्कृति, इतिहास और मानव भूगोल के बारे में जागरूकता करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार कौन सा दिवस मनाया है? तो जल्दी से बताइए, अगर आपसे कमेंट में इसका आंसर बनता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह विश्व मरीज सुरक्षा दिवस, विकल्प नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के लिए शांति और समृद्धि के लिए किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह बांग्लादेश। दक्षिण एशिया के लिए शांति और समृद्धि के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वनों के आसपास के क्षेत्रों में जंगली जानवरों के प्रवेश को रोकने के लिए वायु फेंसिंग के उपयोग करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह उत्तराखंड राज्य में जंगल जानवरों के प्रवेश को रोकने के लिए वायु फेंसिंग के उपयोग पर निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, NGO साहिल के द्वारा संकलित रिपोर्ट के मुताबिक किस देश में 6 महीने में 1300 बाल यौवन उत्पीड़न के मामले में हुए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह पाकिस्तान, विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, 140 साल के इतिहास में पहली बार भारत की
वर्ष 2021 की जनगणना किसके माध्यम से की जाएगी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसके माध्यम से की जाएगी? तो इसका जो सही आंसर है वह है मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप के द्वारा भारत की जनगणना जो 2021 में होगी मोबाइल ऐप के द्वारा होगी। और यह भी बता दें कि जो 2021 में भारत की जनगणना होगी वह कितनी भाषाओं में होगी? तो वह 16 भाषाओं में होगी। इसका आंसर होगा 16 भाषाओं में जो 2021 की जनगणना होगी वह 16 भाषाओं में होगी। अगला क्वेश्चन है ह्यूस्टन के हाउडी मोदी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसे भारत आने का निमंत्रण दिया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसको भारत आने का निमंत्रण दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने? तो इसका जो सही आंसर है वह है डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर पुरस्कारों के लिए इस वर्ष भारत की ओर से किस फिल्म को नामित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है गली बॉय। अगला क्वेश्चन है फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई दुनिया की 250 सबसे सम्मानित कंपनी में भारत की किस आईटी कंपनी को तीसरा स्थान मिला है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा इन्फोसिस। इन्फोसिस को जो इन्फोसिस कंपनी है इसको तीसरा स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है नवजात शिशुओं में अनुवांशिक रोगों से निपटने के लिए किसने उम्मीद नाम की पहल का शुभारंभ किया है? तो किसने इस पहल का शुभारंभ किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है डॉक्टर हर्षवर्धन। विकल्प नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस महिला फुटबॉलर को सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर के अवार्ड से सम्मानित किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वह है मेगन रेपिनो। मेगन रेपिनो को सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस देश में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2019 मनाया गया है? तो कहां पर मनाया गया है यह जो दिवस है? तो यह मनाया गया है अमेरिका। अमेरिका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने तलाक पीड़ितों को कितने हजार रुपए सालाना देने की घोषणा की है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वह 6000। विकल्प नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं तो कौन है? तो इसका आंसर होगा योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के सीएम हैं यूपी के। अगला क्वेश्चन है भारतीय सिनेमा के किस प्रसिद्ध अभिनेता को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर है वह अमिताभ बच्चन। विकल्प नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। अगला क्वेश्चन है 26 सितंबर को विश्वभर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपसे इस प्रश्न का आंसर बनता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। 26 सितंबर को विश्वभर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा विश्व मूक बधिर दिवस मनाते हैं। विकल्प नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में यूगोप के द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी के बाद कौन से देश का दूसरा सबसे प्रशंसनीय व्यक्ति है? तो कौन है देश का दूसरा सबसे प्रशंसनीय व्यक्ति? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी विकल्प नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी महिला खिलाड़ी विश्व की टॉप 25 प्रशंसनीय महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे इस क्वेश्चन का आंसर बनता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। 4 विकल्प आपके सामने हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वह है मेरी कॉम। मेरी कॉम विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, मेरी कॉम। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने किसे अपनी संस्था का नया प्रबंध निदेशक और कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसको किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा को अपनी बोर्ड का प्रबंध और निदेशक और कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष भी नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है बीसीसीआई के पूर्व चेयरमैन एन श्रीनिवासन की बेटी रूपा गुरुनाथ को किस क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन। विकल्प नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, दो वर्ष पहले ह्यूमन स्पेस मिशन की तैयारी करने वाले किस देश ने अपना पहला एस्ट्रोनॉट अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भेजा है? तो किसने भेजा है? तो यह भेजा है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात इसका सही आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने एकता और अखंडता के क्षेत्र में योगदान के लिए किस भारतीय राजनीतिज्ञ के नाम पर सर्वोच्च नागरिकता सम्मान पुरस्कार की शुरुआत की है? तो इसका आंसर अगर आपसे बनता है तो कमेंट में जरूर बताएं। क्या होगा इसका आंसर? अटल बिहारी वाजपेयी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी। तो इसका जो सही आंसर होगा वह सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस पूर्व भारतीय महिला धाविका को IAAF के वेटरन पेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसको इससे किया गया है सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा पीटी ऊषा, विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 28 सितंबर को विश्वभर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 28 सितंबर को विश्वभर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह विश्व रेबीज दिवस। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सरकार ने देश के सबसे बड़े 65 वर्ष के हाथी नंडू नगमुआ राजा की सुरक्षा के लिए सेना के जवान तैनात किए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है श्रीलंका सरकार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा देश दक्षिण एशिया में सबसे कम GDP वाला देश बन गया है? तो कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वह है पाकिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य अब टूरिस्ट वीज़ा जारी करने की घोषणा की है? तो टूरिस्ट वीज़ा जारी करने की जो घोषणा की है वह की है सऊदी अरब इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हर्षवर्धन किस वर्ष तक भारत को टीबी की बीमारी से मुक्त कराने के उद्देश्य टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान की शुरुआत की है? तो इसका जो सही आंसर है वह 2025 तक टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान की शुरुआत की है। किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन है, 29 सितंबर को विश्वभर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 29 सितंबर को विश्वभर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 29 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत के बाद किस देश में महात्मा गांधी जी की सबसे अधिक स्मारक और प्रतिमा लगी हुई हैं? तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वह अमेरिका, विकल्प नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत के बाद अमेरिका में महात्मा गांधी जी की सबसे अधिक स्मारक और प्रतिमाएं लगी हुई हैं। अमेरिका में महात्मा गांधी जी दो दर्जन से ज़्यादा से प्रतिमा हैं और एक दर्जन से ज़्यादा सोसाइटी और संगठन गांधी जी से जुड़े हैं। साथ ही वाशिंगटन DC में गांधी मेमोरियल सेंटर गांधी स्मृति केंद्र बना हुआ है जो कि अभी भी कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस सोशल मीडिया नेटवर्क कंपनी ने धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से नई वित्तीय घोटाला नीति पेश की है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह ट्विटर, विकल्प नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 में कौन सी भारतीय गेंदबाज 3 ओवर मैडन फेंकने वाली पहली भारतीय गेंदबाज बन गई हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह दीप्ति शर्मा हैं। यह T20 में लगातार 3 ओवर मैडन फेंकने का जो रिकॉर्ड है अपने नाम कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट कंज्यूमर फोकस्ड ब्रांड्स रिपोर्ट 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा ब्रांड देश का सबसे उपभोक्ता केंद्रीय ब्रांड है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वह है सैमसंग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा के मामले में भारत कितने पायदान उछलकर 44वें स्थान पर पहुँच गया है? तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर
एक, चार पायदान, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे इस क्वेश्चन का बनता है आंसर तो इसका आंसर है विश्व अनुवाद दिवस। विश्व अनुवाद दिवस के रूप में मनाते हैं 30 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य के सांपों की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। तो कौन से राज्य में सांपों की एक नई प्रजाति खोज की गई है, तो इसका आंसर होगा क्या, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेपाल के कौन से बल्लेबाज नेपाल की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में शतक लगाने पहले खिलाड़ी बन गए हैं, तो इसका आंसर होगा पारस खटका। पारस खटका इसका सही आंसर हो जाएगा। नेपाल से जो हैं बल्लेबाज बन गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय T20 में शतक लगाने वाले बन गए हैं। इन्होंने सिंगापुर 152 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 52 गेंदों में 106 रनों की पारी खेली है। साथ ही नेपाल की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में शतक लगाने वाले पहले नेपाली खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही वीडियो हम मंथली पूरे 2019 के 12 महीना के जो करंट अफेयर के वीडियो हैं तो हम आपके लिए ज़रूर पूरे अपडेट करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ें। टेलीग्राम ऐप में सर्च कीजिए IAS स्टडी ट्रैक, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और आप हमें कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। निरंतर ही हम ऐसे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।